एक कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर. फर्स्ट ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड इट्स पोजिशन. सेकेंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. प्लीज डू दिस क्वेश्चन. एनीवन कैन टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हैव 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. ड्रॉ रे डायग्राम एंड इट्स पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल रे डायग्राम आपको लेना है. इसमें यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम एंड देन प्लीज सोल्व दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बाई लेंस फॉर्मूला. सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. यू कैन नॉट सी ऑन द बोर्ड. Okay, I am repeating the question. An object 5 centimeter length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram or its position, size and nature of the image you have to tell. Okay, you can see on the board. Please solve this. Anyone can give the answer, please tell me. ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर. री डायग्राम आपको पहले बनाना होगा. कन्वर्जिंग लेंस मींस इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस. फोकल लेंथ इसको दिया है और ध्यान रहे 25 सेंटीमीटर अवे इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर ये एफ है. 20 सी मतलब ऑब्जेक्ट यहां होगा अवे फ्रॉम द कर्वेचर. इमेज ऐसे बनेगा. दिस इज ए रे डायग्राम. इमेज भी अवे बनेगा. नाउ दिस इज द रे डायग्राम. बाय दिस रे डायग्राम प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज इट्स पोजिशन. पोजिशन मीन्स वी यू हैव टू फाइंड आउट. साइज एच डैश यू हैव टू फाइंड आउट एंड नेचर ऑफ द इमेज. क्या नेचर होगा? वैसे तो इन्वर्टेड होगा, रियल होगा. Please find out. First, you have to use this formula.
1 upon v minus 1 upon u upon 1 upon f. ध्यान है फोकल लेंथ इसकी अगर आप ले रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग द फोकल लेंथ ऑफ दिस, फोकल लेंथ शुड बी, टेल मी नेगेटिव और पॉजिटिव, इट मस्ट बी पॉजिटिव. फोकल लेंथ इधर होगी, पॉजिटिव होगा. एंड इसका जो u होगा ये माइनस 25 सेंटीमीटर इधर होगा, माइनस होगा ये, ध्यान रहे माइनस 25. प्लीज फाइंड आउट वी हियर. मेरे को जल्दी से जल्दी v बताइए कितना होगा. और इसका v पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यू हैव डन समवेयर मिस्टेक. द पोजीशन ऑफ द इमेज इज 16.666 सेंटीमीटर. यू टेल मी इन फ्रैक्शन ओनली. 50 upon 3. द वैल्यू ऑफ v इज कमिंग 50 upon 3. वेरी गुड. All student only Ritika is telling other one. Other one. Sir, 50 upon 3. Yeah. 50 upon 3 centimeter V. Yes, sir. 50 upon 3. ध्यान दे, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है. Listen it carefully. F you are taking positive or negative, or you are taking positive or negative. उसी के बाद ही इसी mirror formula में आपको values put up करनी है. Then only your answer will come correct. Otherwise, you think no. Ray diagram से आपको पता converging lens है, मतलब convex lens है. ज्यादातर इमेज उसके अंदर real बनता है, inverted बनता है. एक ही केस में erect बनता है और imaginary बनता है, जो first केस होता है. Now you tell me what is the height of the this h. Suppose ये h height है और ये h dash है. H dash, पहले आप M magnification, you please find out how much magnification. This minus is 0.66 dash upon H. H dash upon H, पहले magnification और भी होता है, U upon V होता है, V upon U होता है, बताओ. आप पहले V upon U से M निकालिए. How much M is coming? Minus 0.66. तो M आ गया माइनस, ये भी आप उसमें बता दो फ्रैक्शन में. 16.66 अपॉन माइनस 25. आपने 50 अपॉन 3 नहीं रखा. -1250/3. M भी आप फ्रैक्शन में ले आओ. M मस्ट बी इन फ्रैक्शन. -1250/3. माइनस, टेल मी, 125. हैं? 1250/3. 1250/3 m वैल्यू. फिर इतना क्यों ला रहे हो भाई तुम? 0.66 सर, 10 upon -3. बताओ v अपॉन u नहीं कर सकते हो आप? क्या बताऊं मैं आपको? 50 अपॉन 3 ऑलरेडी देयर, u इज -25, आपको निकालना है. सर 10 upon 3. क्या मैग्निफिकेशन? सर 10 upon -3. हाँ, -10 upon 3 लिख दो. एम आई राइट? ये सही है. I think it is correct. 10 upon -10/3 centimeter. This is the value of m. Or a value of m say -10/3 is equal to h dash upon h. Please find out h dash here. H की value आप लिख सकते हो, plus 5 होगा, ये 5 होगा. Then you find out h dash. H dash कितना होगा? Please find out.
एच डैश कितना होगा? 3.3 सेंटीमीटर. दिस विल कम माइनस और प्लस? माइनस होगा, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, नीचे की साइड बन रहा है. एच डैश माइनस 3.3 सेंटीमीटर. दीज आर द वैल्यू दैट वी हैव टू सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन दिस वे. पहले आपको रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम से लेंस फार्मूला लगाना है, लेंस फार्मूले से जो वैल्यूज उसको फाइंड आउट करनी है वो. और एक बात ध्यान रहे, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट सेम होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सोल्व द क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अदरवाइज यू कैनॉट सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ओके, ऑल ऑफ यू डन दिस वन? एच माइनस 3.3 हैव यू डन? यस सर. I am writing another one. अब एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? Or draw the ray diagram. Draw the ray diagram. Anyone? I can read this question again. A concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. मतलब V दिया. How far is the object placed from the lens? कितना वो ऑब्जेक्ट कितना रखा? You have to find out. Draw the ray diagram. सबसे पहले ray diagram. First of all, ray diagram ये concave lens है. Concave lens में दो ही केस होते हैं. और जब वो इमेज बना रहा है तो कोई ना कहीं ऑब्जेक्ट जरूर रखा होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी. पहला ही वो होता है वो. तो आप एक बार इमेज ऑब्जेक्ट बना लीजिए. वन रे गो एंड कन्वर्जेस. अनदर वन. ये इमेज यहां बनेगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल प्रिंसिपल फोकस. सारे इमेज यही बनते हैं. इमेजिनरी होगा इरेक्ट होगा. ये इसका रे डायग्राम होगा. सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर. हाँ मतलब रे डायग्राम से आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन सा केस ले रहे हो. कॉनकेव लेंस का केस है. इसमें सारे के सारे इमेजिनरी बनते हैं और ऑब्जेक्ट को दिखाया है कहीं इन्फिनिटी पे नहीं बताया है. तो इसका जो इमेज बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ही बनेगा.
From here you can apply the Lenz formula also. 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. Focal length already given. Negative होती है focal length, मतलब minus 15 centimeter. And forms an image 10 centimeter from the lens. मतलब 10 centimeter, मतलब क्या दिया V. V भी minus 10 centimeter होगा. Please find out U. इसमें U find out करिए. सर minus 30. ये जो U की लेंथ आएगी वो आएगी माइनस 30 सेंटीमीटर. ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे जहां पे आपको रे डायग्राम शो करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स V, U एंड F. रे डायग्राम कैसे बना है? व्हाट यू वांट टू से? हु इज सर रे डायग्राम कैसे बन? रे डायग्राम तो जो सिचुएशन उसमें दिया है उस सिचुएशन के हिसाब से, उस केस के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा रे डायग्राम. देखो अभी ये कॉनकेव लेंस में हमने बनाया ना, कॉनकेव लेंस में दो ही रे डायग्राम बनते हैं. एक तो भाई ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑप्टिकल सेंटर इंफिनिटी के बीच में कहीं हो, और एक इंफिनिटी पे इंफिनिटी होगा तो वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट इज ऑन इंफिनिटी, राइट सर? सो वी कैन, यू कैन मेक द रे डायग्राम ऑल्सो. भाई देखो आप एक बात मैं बता रहा हूं, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में पहला रे डायग्राम बनाया था, उसमें उस लेंस की जो फोकल लेंथ दिया था, ये कॉन्वेक्स लेंस था, उस लेंथ की फोकल लेंथ क्या दिया था? 10 सेंटीमीटर दिया था, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 25 सेंटीमीटर है. मतलब 10 10 20, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब अवे 2f से भी ज्यादा दूर है. तो एक आइडिया जरूर बन जाता है कि इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा. हमें एक आइडिया जरूर मिल जाता है कि जो जो सिचुएशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दे रखी है उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, राइट सर? सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन मेक द रे डायग्राम. और ध्यान रहे, हाँ यस, एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Anyone? Okay, please see this question. These are all NCERT questions. Those I am doing on the board. Okay, sir. Yes. Sir, physics का syllabus क्या है? मैं बता दूंगा, अभी सारा सिलेबस आ रहा है बेटे, आपको आज मिल जाएगा पूरा का पूरा. देखा, ये लाइट का ही है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन हमने लिया है, ठीक है ना? एक ही चैप्टर लिया है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन. ओके, इसीलिए तो ये मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करा रहा हूं. I am writing one question to you. I will not solve, you have to solve. An object is placed at a distance of 10 centimeters from the from a convex mirror
दिस इज द केस ऑफ मिरर, ध्यान रहे, ऑफ फोकल लेंथ फिफ्टीन सेंटीमीटर. फाइंड पोजिशन. एक तो पोजिशन बतानी है एंड नेचर ऑफ द इमेज, प्लीज टेल मी. और इसका रे डायग्राम भी आपको बताना पड़ेगा. मिरर का केस है ये. सर कैन यू प्लीज रिपीट. सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजिशन. कॉन्वेक्स मिरर है ये. V is equal to 6. पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव. पॉजिटिव. अच्छा मेरे को ये बताओ, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यू क्या होगा? 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव. नेगेटिव. अच्छा एफ जो होगा फोकल लेंथ इसकी, वो भी नेगेटिव होगी? नो सर, वो पॉजिटिव होगी. वो पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव होगी. और द फार्मूला यू नो, 1 upon v plus 1 upon u = 1 upon f. By applying this formula, please tell me what is the value of v is coming? Plus 6. 6 centimeter. 6 centimeter. What is the nature of the image? Virtual and erect. Virtual and erect. Erect. Behind the mirror होगा. इसका एक ही केस है जहां पे बनता है ये, राइट सर? बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा. और साइज में कितना होगा? एनलार्ज्ड. एनलार्ज होगा. हाउ? आप इसका साइज निकालो. साइज पर वो दे नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दे रखी है. साइज क्या होगा? साइज इज स्मॉलर. स्मॉलर इन साइज होगा. कैन यू फाइंड आउट एम? 1.6. यस सर. हाउ मच? 1.6. माइनस और प्लस? माइनस. तो मेरा तो 0.6 आ रहा है. 6 upon 10. क्या फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का? V अपॉन यू या माइनस? माइनस V अपॉन यू होता है ना? Put up the values. Yes, sir. 6 upon 10. 0.6. 6 upon 10. 6 upon 10 positive होगा. Minus minus plus बन जाएगा. Magnification positive आएगा. 0.6. हाँ, magnification will be positive. Yes, sir. Okay, I am reading one question. Please give the answer. Note down the question, all of you. Likhiye, an object is
एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Radius of curvature it is given 30 centimeter. Find the position of the image, nature and size. Again I am reading the question. An object 5 centimeter in length placed at a distance 20 centimeter in front of a convex mirror radius of curvature 30 टेल मी सर क्वेश्चन से ये पता चल रहा है पोजीशन ऑफ द इमेज ये कॉन्वेक्स मिरर का केस बता रहा हूं सर इमेज डिस्टेंस इज 8.57 सेंटीमीटर दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव सर पॉजिटिव पॉजिटिव वी विल बी पॉजिटिव हियर यस सर And focal length, can you find out if radius of curvature is given? Yes, sir. Because R is equals to 2F and radius radius of curvature is 30, that is equals to 2F. So, sir, 30 upon 2 equals to F. Focal length is R upon 2. F is 16. R upon 2 means 15 centimeter. Yes, sir. Negative or positive? Hogi? Sir, positive. Yeah. Please apply the formula here. Sir, kiska? 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. V you are told 8.57. Position, what is the nature of the image? And what is the height of the image? Size. Size bhi bataiye. Sir, height is 2 centimeter. Exact 2. Exact 2. Yes, sir. 9. Nahi, sir. Height of image is 2.2. 2.2. Us calculation mein mistake kar raha hu. 2.14 centimeter is telling height of the image. सर 2.14 पर सर उसमें प्लस 1 होगा दैट्स बिकॉज़ 2.15 नहीं 2.14 यू कैन राइट व्हाट बाकी आ रहा है 2.14 हाइट ऑफ द इमेज ई दीस टू थ्री न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आई डिस्कस फ्रॉम यू पीपल Because you people are not doing numerical problems from the chapter. And it is very important, please do the numerical problems. For 10th standard student, listen carefully. Numerical problem, har ek bacha karega. Aur usko solve kariye. Okay? Now, you have to join for mathematics also.